बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंटी इस्तिग्मात की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था ईटा के जरिए, बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसका आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं इस वक्त। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, द मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इनहेल्ड बाय अ स्मोकर, इसमें निकोटीन को हमने करेक्ट किया। काफी दोस्त भी यही कहते हैं कि निकोटीन है, लेकिन आई थिंक दिस इज ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये तीन होते हैं, निकोटीन तर और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर निकोटीन है, तीसरे नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। और एक और क्वेश्चन जो काफी दोस्त उस पर बहस करते हैं वो है कि पर्दे का हुक्म, हिजाब जिसको कहते हैं, कि ये कब नाजिल हुआ था। तो दोस्तों इस बारे में ऐसा है कि इसमें काफी दो लोगों का इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं कि ये 5 हिजरी की बात है, कोई कहते हैं कि 4 हिजरी की बात है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लो तो ये एक शादी के मौका पर ये हुक्म नाजिल हुआ था, और ज्यादातर लोग जो है कहते 4 हिजरी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें इख्तिलाफ है, कोई 4 का कहता है, कोई 5 का कहते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 75 तक ऑलरेडी माल कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है कि अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ डाई इनटू एन आर्टरी टू अलाउ स्टडी ऑफ आर्टेरियल ट्री इज नोन एज एंजियोग्राफी, कहते हैं उसको। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 77, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन लीव्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ए करेक्ट है। और ये क्वेश्चन 78 जो है ना, ये और थोड़ा सा कंफ्यूज है कि विच मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम, क्लासरूम में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, क्राउडेड है, तो इसमें कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड तो बेहतरीन है, इसमें लेक्चर मेथड भी इसमें है। ऑप्शन बी और सी जो और डी जो है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड और ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल मेथड भी आई थिंक बेहतर है, लेकिन इसमें ये एक्सपेरिमेंटल मेथड मुश्किल लग रहा है। मैं ऑप्शन डी को करेक्ट कराऊं, यानी हाउ इसको आपने कंफर्म करना है थोड़ा सा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 78, चलते हैं 79 की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, यहां पर 79 नंबर क्वेश्चन है ये वाला कि दर्जन में से कौन सा लपस ठीक है, ये सवाब, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और आगे चलते हैं 79 की तरफ, 79 नंबर कहां पर है, 79 हो गया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो मिस है, ठीक है, तो 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द पार्ट ऑफ द आई डेट इज फिल्ड विद ब्लड विजल्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू आई इज, ये पार्ट जो है दैट इज ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन, द स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज, इट इज नोन एज ऑप्शन बी, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 नंबर, हर फादर अ गुड जॉब सून, विल हैव अ गुड जॉब सून, ऑप्शन सी लगता है इसमें। और सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल, 5 लेवल है इसमें, ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं, ये हो गया 86, तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन फिर मिस है, ठीक है, 86, 87, 89 और 90 को देखे, 90 नंबर, द सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी 25 से 35 तक के है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 91 नंबर क्वेश्चन देखे, 91 नंबर, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज इन्वॉल्व इन फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑप्शन बी है, पॉन्स। 92 नंबर क्वेश्चन देखे, मीडियम साइज किडनी स्टोन आर रिमूव्ड बाय लेट्रो
लिथोथ्रिप्सी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93, साइमन कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1919 एंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन टू इंडिया आफ्टर 10 ईयर्स की बात है इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 94 नंबर, द जुआलॉजिकल नेम ऑफ बटरफ्लाइज इज ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। तो चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को देख के। 95 नंबर, द 2D इमेज इज ऑब्टेन थ्रू, ये लाइट पॉइंट और टिम, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, दोनों से हासिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, 96 नंबर देखे दोस्तों, मैकेनिकल टिश्यूज ऑफ प्लांट इंक्लूड्स, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 97 देखें, 97 नंबर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक बोथ ए सोर्स एंड सिंक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 98 देखें, 98 नंबर, एस टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट डिक्रीजेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। और आखिरी दो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 99 और 100 नंबर दो क्वेश्चन जो दे रहे दोस्तों, वो क्वेश्चन जरा आपको दिखाता हूं, देखे दो क्वेश्चन रह गए हैं। ये देखे, ये 99 में देखे, 99 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या है, ये इसमें ऑप्शन, इस रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और 100 नंबर क्वेश्चन दे, द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज, ये ऑलवेज इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन को रीड करें, तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद पवन, इसके बाद मैथमेटिक का शुरू कर रहा हूं, और उसके बाद इस पेपर को मैं MS Word में लिखकर 1 to 100 क्वेश्चन कहीं से भी हो उसको मैं कलेक्ट करके ना बतरतीब उससे लिखकर और बेहतरीन तरीके से उसको अपलोड करूंगा। तो वॉच करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।